इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला भी आ गया है। ये भी तय हो गया है कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से ही होंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस देश में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो अदालत ने उस चुनाव पर ही रोक लगा दी थी और फिर बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद ही नतीजे घोषित हुए थे जो पूरी तरह से बदले हुए थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ये कहानी करीब 44 साल पुरानी है। साल था 1980, अगस्त का महीना था। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL ने देश की राजनीतिक पार्टियों के सामने बैलेट का एक विकल्प रखा, ईवीएम। चुनाव आयोग भी मशीन से सहमत हो गया अब इसकी टेस्टिंग करने की। तो चुनाव आयोग ने तय किया कि 1982 में केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान एक विधानसभा में इस मशीन की टेस्टिंग की जाएगी। तब आयोग की ओर से तय किया गया कि केरल की परूर विधानसभा के 84 पोलिंग स्टेशन में से 50 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ईवीएम के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का विरोध किया। उस वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे SL शकधर। तो उन्होंने भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया और फिर आर्टिकल 324 के तहत परूर विधानसभा के 84 में से 50 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया। 20 मई 1982 को इस चुनाव के नतीजे घोषित हुए। परूर में CPI के उम्मीदवार सिवन पिल्लई को जीत मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार अंबद चाको जोस कुल 123 वोट से चुनाव हार गए। उस चुनाव में पिल्लई को कुल 30,450 वोट मिले थे और इन वोट में 19,182 वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मिले थे। अपनी हार को लेकर अंबद चाको जोस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने वोटिंग मशीन और उसके नतीजों पर सवाल खड़ा कर दिया। इस केस की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में, जिनमें शामिल थे जस्टिस मुर्तजा फजल अली, जस्टिस अप्पाजी वरदराजन और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इस केस का मुख्य बिंदु सिर्फ इतना सा था कि क्या चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करके किसी चुनाव में वोटिंग मशीन की प्रक्रिया को लागू कर सकता है। चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 को लेकर अपने तर्क रखे, लेकिन अदालत ने कहा, वोटिंग मशीन को लागू करने का फैसला संविधान के आर्टिकल 326 और 327 के तहत देश की संसद या फिर राज्य की विधानसभा के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 59 और द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के रूल 49 का भी जिक्र हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग की दलीलों को खारिज करते हुए कहा, केंद्र ही कानून बनाने की संवैधानिक संस्था है और केंद्र वोटिंग मशीन जैसे सिस्टम के लिए तैयार नहीं था। अगर मशीन की ही प्रक्रिया अपनानी है तो फिर वोटरों को ठीक तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी, जिसमें कुछ वक्त लगेगा। अपनी बातों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुई वोटिंग को खारिज कर दिया। करीब 2 साल बाद 22 मई 1984 को केरल की परूर सीट पर 50 पोलिंग स्टेशन पर फिर से चुनाव हुए और नतीजे आए तो 123 वोट से चुनाव हारने वाले अंबद जाको जोस चुनाव जीत गए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई ईवीएम को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने तब खारिज कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने हार नहीं मानी। ईवीएम को लागू करने की कोशिश लगातार जारी रही। 1988 में चुनाव कानून में संशोधन किया गया। नया सेक्शन 61A जोड़ा गया, जिसने चुनाव आयोग को यह ताकत दी कि वो लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग मशीन से चुनाव करवा सकता है। इसके करीब 1 दशक बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। फिर 1999 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कुल 46 सीटों पर ईवीएम से ही वोटिंग हुई। इसके बाद साल 2001 में जब तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए तो वोटिंग पूरी तरह से ईवीएम के जरिए ही हुई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम ने पूरी तरह से बैलेट पेपर की जगह ले ली और उस साल देश की कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव ईवीएम से ही हुए। बाकी 1982 से ही सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही ईवीएम को अब सुप्रीम कोर्ट की ही अंतिम मुहर मिल गई है और ये तय हो गया है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, बैलेट से नहीं। बाकी हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा ही रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम सिस्टम में सुधार की गुंजाइशें बता दी हैं। अब तय आयोग को करना है क्या भविष्य में भी वो ईवीएम पर बारकोड जैसी कोई व्यवस्था लागू करता है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।